अब हम लोग 3D थिएटर में एंटर करते हैं और अब हम लोग थिएटर में चलते हैं। ये काफ़ी बढ़िया है जो कि हॉल जो होता है सिनेमा घर उससे तो काफ़ी बेहतर है। देख सकते हैं अंदर में द ओशन बायोस्कोप चल रहा है, साथ में भीड़ भी है। लोग कहाँ हैं? आपका किधर? छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं यकीन नहीं होता ना। चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। चश्मा नहीं दिया। ये महासागर मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50-80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियां, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियां, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर उदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। आते हुए सनबाथ ले ले। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी हुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षा वन कहा गया है। आई समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बना। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन,
या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उतले समुद्री इलाकों तक पहुँचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहाँ के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुँचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको झलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर ये क्या, अचानक ये रोशनी कहाँ से आई? ओहो, ये तो जेली फिश का झुंड है। रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब से भी बड़ी छोटी मछलियां लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। शार्क जैसन सब सबसे दूर रहता है। उन्हें बेरहमी से दबोच कर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएंगे। सबसे खतरनाक शार्क छलावे से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है, समुद्री जीवों का यमराज। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं तैरता है। पहले के जमाने में समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। जो मूवी के अनुसार है तो सही बात है कि प्लास्टिक से काफ़ी नुकसान भी होता है, और काफ़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है प्लास्टिक से। तो कम से कम प्लास्टिक का उपयोग कम करना ही चाहिए, और जो समुद्री जीव ही नहीं केवल जो हमारे धरती पे भी रहते हैं उनको भी नुकसान होता है। तो
मिलते हैं आप अगले वीडियो में।